हाँ जी, खाने वाल के बाद अभी एक और फिर देखते हैं ये कौन साहब आ गए हैं, ये भी नए जी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बस साहब, की हाँ, हाल है? ठीक बिल्कुल हो? ठीक हूँ। मेरा गांव खोत है, थाने वांडो का एरिया है, बुजरा वाला। खोत सर परसों जी मेरी घास सूई है, तो पहले दिन बोरा जेड़ा है वो तीन चार तकरीबन 4 किलो ने दिता है, तो हूँ दो दो रेत ले जेड़ा है वो तो सिर्फ इन्ना को होंगे कि बच्ची का गुजारा भी जेड़ा बहुत मुश्किल होंगे, तो ओहो हाँ वो हवाने भी सोच पई है, तो ओहो उन्होंने हम की दई है तो की करिए। तीसरा सूआ है गाई का, अच्छा पहले 2 सूए तो बड़ा दूध दिता है, परसों नहीं सूई है, तो दुध मसा ही जड़ा इन्ना गुंडा है कि जड़ा ज्यादा गुजारा जड़ा बड़ा मुश्किल हो गया, मेरे वास्ते रहनुमाई करो। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हुण दो मसले ने, एक के सोत है, सोत दे विच तुसी ये फिलहाल मैं टीके नहीं लवांदा, ये ना होवे जेड़ा रहंदा खुंदा दूध दे वो सुका जाए, बेहतर है कि इनू एक छटाक कालियां मिर्चा लैके एक पा देसी घ्यो च तड़का ला के ये सवेरे खाली पेट इनू ये दे दो, 3 दिन देना, एक एक छटाक काली मिर्च और एक एक पा देसी घ्यो दा तड़का ला के 3 दिन ये दो, सोत दी उतर जाएगी मेरी जान। और दूसरा फिर यदा दुध वधाण वास्ते है कि 2 लीटर दुध किसी को मांग लो और या हो रहा है कि गां दा लै लो, और राती इन 100 ग्राम का सफेद जीरा वो भेज दो, और सवेरे उठोगे वो फुले आएगा, ओदे विच को पा एक शक्कर पा के तो इनू पिला दियो, इनू को 4-6 दिन पिलाओ, इंशाल्लाह तारा दुध वधाएगी। और दूजा ये कि कौमी कैलसी विट मिलता है एक पाउडर, वो या DCP पाउडर, और 100 ग्राम वो भी बकायदा थोड़ी जी ये शक्कर च पा के तो दियो, इनू ये भे के वंडा नहीं देना या खल भिगो के नहीं देनी 1 महीने तक। बाकी यदि सफाई वास्ते जड़ा मैं वो नुस्खा देते हैं वो देते अमल करो, खास तौर पे वो सफेद जीरा है, हालियों है, अलसी है 100 100 ग्राम ले लेंदे ने, 250 ग्राम वो गुलाब के फुल दियां पत्तियां, ते एक चटांक मिठा सोडा, ये रोज़ दी बुनियाद पे ये 5-6 दिन ये दोगे तो उसकी सफाई भी अच्छी हो जाएगी अंदरूनी। ठीक है, अल्लाह फजल करेगा, और पूरे गुजरांवाले नू और पूरी खोत नू सलाम फी मान ला।